एक्वेरियस यानी दिल्लू का जिंसी पहलू। दिल्लू मर्द और औरत की मुश्तरका खसूसियात। अमूमन 30 साल की उम्र में शादी करने वाले, अजीबोगरीब तसव्वुरात के हामिल और इनके ज़ेरे असर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले, जिंसी मसाइल से बचने वाले, अपनी इंतहा पसंदी के ज़रिए जिंसी मसाइल को हल करने वाले, बड़े मोहतात तरीके से रोमान लड़ाने वाले, हवस और हिरस से दूर, पसंद की शादी रचाने वाले, अपने रफ़ीक हयात से जिंसी ख्वाहिशात की तकमील करने वाले, आसूदगी और जिंसी तस्कीन एक दूसरे को बहुत पहचानने वाले, सच्ची खुशियों और हकीकी राहतों के एहसास से भरपूर, वफा शहार, एक दूसरे पर एतमाद करने वाले, मुनासिब हद तक आज़ादी के ख्वाहां, शादी के बाद मुतय्यन जिंसी ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम रखने वाले, एक दूसरे को शिकायत का मौका ना देने वाले, जिंसी जज्बों को आसूदगी बख्शने वाले, बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने वाले। दिल्लू मर्द की जिंसी खसूसियात। दिल्लू मर्द बड़े मोहतात अंदाज में अपनी रफीका हयात का चुनाव करता है, शादी के बाद अपना तन मन धन नछावर करता है, लेकिन अगर एहसास हो जाए कि चुनाव गलत हुआ है और वो सतही नौयत की बीवी मुंतखब कर बैठा है तो यकदम हैरान और परेशान होकर जिंसी आरजुओं की तकमील रोक देता है। सिर्फ आइडियल बीवी का तालिब। दिल्लू औरत हर हाल में अपने मनपसंद जीवन साथी से राजी और जिंसी ख्वाहिशात की तकमील पसंद करती है, बसूरत दीगर वो भी इस फेल से इनहराफ की सूरत इख्तियार कर लेती है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं और रोजाना अपने आने वाले दिन के बारे में जानिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।